हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेशन। आज हम देखेंगे कि AWS वो क्या है, वो किस लिए यूज होता है और आजकल मार्केट में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है। तो दोस्तों, AWS जिसका फुल फॉर्म है Amazon वेब सर्विसेज, वो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो Amazon आपको प्रोवाइड करता है। एक्चुअली इट इज क्रिएटेड बाय द Amazon इन 2006। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि ये 2006 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था अमेज़न ने। और ये जो अमेज़न वेब सर्विसेज है वो बहुत, अगर हम देखेंगे तो दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। जैसे अमेज़न है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, उसके बाद एक GCP है, गूगल क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, IBM है, अलीबाबा है। ऐसे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है वो आपको क्लाउड वेब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो इन सब में सबसे बड़ा नाम है, जो अभी सबसे टॉप में चल रहा है, वो अमेजोन है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, GCP, सो एंड सो। तो बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन अभी जो फिलहाल सबसे टॉप पे चल रहा है वो अमेजोन है, AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज। तो अमेज़न जनरली, हम पीपल जो लोग नॉन IT इंफ्रास्ट्रक्चर से है, तो उनको ऐसा ही पता है कि भाई AWS पता नहीं, लेकिन अमेज़न क्या है। तो अमेज़न एक बस सेल परचेज के लिए जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिस ऑनलाइन शॉपिंग उसके लिए। लेकिन ये बैकग्राउंड में उनका जो AWS जो है, वो सबसे बड़ा उनका एक एडवांटेज है, क्योंकि इतनी सारी IT सर्विसेज वो क्लाउड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं कि आप जो भी आप सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो आप जो भी सोचेंगे वो उनके पास अवेलेबल है। आप चाहे वेब होस्टिंग करना चाहते हो, आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना चाहते हो, आप कोई भी सर्वर क्रिएट करना चाहते हो, आप कोई एनालिसिस, अरिथमेटिक एनालिसिस करना चाहते हो, बिग डेटा एनालिसिस करना चाहते हो, आप मशीन लर्निंग करना चाहते हो, रोबोटिक्स करना चाहते हो, मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ भी सर्विसेस आप लेना चाहते हो, तो ये सारी सर्विसेस आपको AWS प्रोवाइड करता है। सो AWS एक बहुत बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, विद द हाईली रिलायबल, स्केलेबल एंड लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा जरूरी नहीं है कि अमेज़न जो नाम बड़ा है तो उसकी सर्विसेज के चार्जेस भी बड़े होंगे। नहीं, ये बहुत ही सस्ते रेट में आपको देता है, लेकिन वो समझने के लिए आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और वो किस तरह से वर्क करता है, वो आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जनरली अगर AWS की हम बात करें, तो AWS जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उनके खुद के जो डेटा सेंटर है वो बहुत 190 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है, यानी कि आपको डेटा लॉस्ट होने की कोई फिक्र ही नहीं होगी। आप चाहे कोई भी, किसी भी कंट्री में इसका डेटा सेंटर है। जल्दी हम देखें तो इनके जो डेटा सेंटर है वो इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, एशिया में है, USA में है, तो बहुत जगह इसके डेटा सेंटर है। और जनरली इस डेटा सेंटर को वो नाम देते हैं रीजियन, जो AWS क्लाउड के जो डेटा सेंटर है उनको वो लोग नाम देते हैं, AWS क्लाउड के अंदर वो लोग रीजियन नाम देते हैं। कि भी कितने रीजियन है, तो क्या नियरली 30 रीजियन अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इसके खुद के रीजियन है, जिस रीजियन के अंदर उन्होंने अपने खुद के अवेबिलिटी जोन बनाए हुए हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि एक रीजियन है, रीजियन के अंदर अवेबिलिटी जोन है। तो अवेबिलिटी जोन यानी कि वो एरिया जहाँ पे फिजिकली AWS यानी कि अमेजोन के मशीन, ये पूरा का पूरा डेटा वहां पे होता है, फिजिकली होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर अभी जो रीजियन है वो मुंबई के अंदर है, ठीक है। तो उस रीजन के अंदर करीब 3 अवेबिलिटी जोन AWS ने बनाए हुए हैं, और उस अवेबिलिटी जोन के अंदर बहुत बड़े जो डेटा सेंटर हो वही अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर पूरा क्लाउड होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, VPC होता है, हमारा डेटा जो हम यूज करते हैं वो डेटा वहां पे स्टोर होता है। हर एक अवेबिलिटी जोन के अंदर अलग 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 स्टोरेज फैसिलिटीज, क्लाउड सब अवेलेबल होता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। ये इसी टू जो इसके अंदर दिखाया गया है वो एक्चुअली एक सर्विसेज है, कंप्यूट सर्विसेज है AWS की। वो एक इसी टू यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपका एक सर्वर, आपने मशीन बनाया हुआ है वर्चुअल मशीन, तो वो वहां पे अवेलेबल रहता है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि भी ये इसी टू क्या है, वो कंप्यूट सर्विसेज क्या है, तो वो बहुत सारा आगे आएगा, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है।
AWS क्लाउड, VPCs, ये समझने के लिए है सिर्फ। अभी फिलहाल हम इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम लैब स्टार्ट करेंगे समझने के लिए तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा कि VPC क्या है। ठीक है, फिलहाल आपको यही समझना है कि AWS एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग पावर, डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड अदर आईटी रिसोर्स थ्रू अ क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म वाया द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग। वैसे आपको सबको पता है कि भाई ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो ऑन डिमांड डिलीवरी कंप्यूटिंग पावर, डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, आपको डेटाबेस चाहिए वो आपको डेटाबेस प्रोवाइड करेगा, आपको कंप्यूटिंग दैट मीन्स कि आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए, अरिथमेटिक एप्लीकेशन के लिए चाहिए, डेटाबेस के लिए चाहिए, आपको बिग डेटा एनालिसिस के लिए चाहिए, आपको वेब होस्टिंग के लिए चाहिए, आपको नेटवर्किंग के लिए चाहिए, आपको मोबाइल एप्लीकेशन के लिए चाहिए, तो वो सब सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आपको अमेजन जो AWS सर्विसेज का आपको यूज करना है तो उसके लिए फर्स्ट नेसेसरी थिंग है कि इंटरनेट होना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी क्लाउड को आप एक्सेस करना चाहोगे तो विथ इंटरनेट आप उसको एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज ये एक्सेस नहीं होगा। क्योंकि ऐसा जरूर हमारे पास तो ऐसा कोई रीजन है नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली इसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि टैबलेट है, फोन्स है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस है, किसी भी डिवाइसेस से आप एक्सेस कर सकते हैं AWS। ठीक है, और एप्लीकेशन देखिए कि भाई अलग अलग प्रकार के डेटाबेस है, नेटवर्क है, आप डेटा स्टोर करना भी चाहते हैं क्लाउड के अंदर तो अभी आप स्टोर कर सकते हैं, फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी है प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, वेब सर्विसेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि पे एज यू गो, ये एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग थिंग है कि प्राइजिंग के लिए कि जैसे हम पहले हम सोचते थे कि चलो जब AWS या GCP या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अवेलेबल नहीं था तो लोग जो ये वेब होस्टिंग करते थे या अपना सर्वर, खुद का सर्वर बनाते थे, तो वो कैसे बनाते थे, तो उस वक्त खर्चा क्या आता था। सपोज चलो मुझे खुद का एक सर्वर बनाना है मेरे एप्लीकेशन के लिए, वेब एप्लीकेशन के लिए या वेबसाइट के लिए, तो मुझे बहुत सारे उसके लिए पीसीस खरीदने पड़ते थे, रैम खरीदनी पड़ती थी, फिर हार्ड डिस्क भी उतनी बड़ी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि सर्वर पे हमेशा बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, तो जितनी सारी रिक्वेस्ट आती है तो हमारा सर्वर भी उतना स्ट्रांग होना जरूरी हो जाता है, तो सर्वर के लिए उसके लिए प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उतनी हार्ड डिस्क चाहिए, रैम चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, फिर वो पूरा जो हम सर्वर क्रिएट करते हैं उसको हैंडल करने के लिए भी हमें दो बंदे रखने पड़ेंगे, प्रोग्रामर चाहिए या सर्वर हैंडल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो उनको भी सैलरी देनी पड़ती है, तो ये सब अगर हम देखें तो बहुत सारा खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, तो सपोज अगर अच्छा एक सर्वर बनाते हैं तो करीब 10 से 12 लाख रुपए हम छोटा सा सर्वर बनाने में हमारा खर्च हो जाता है, और हर महीने उसका मेंटेनेंस चार्ज आएगा, लाइट बिल आएगा, फिर सैलरीज आएगी। ठीक है, तो उससे तो बेटर है कि हम क्लाउड सर्विसेज यूज करते हैं, और क्लाउड सर्विसेज में एक पे एज यू गो सर्विसेज जो है वो बहुत ही अच्छा है कि आप जितना अमेजोन से यूज करोगे, जितना अमेजोन की सर्विसेज जितने टाइम के लिए यूज करेगा आपको उतने टाइम के ही पैसे देने हैं। कई बार क्या होता है कि भाई सपोज हमने एक सर्विसेज स्टार्ट की आज, कल हमें ऐसा लगा कि नहीं यार इस सर्विसेज की हमें जरूरत नहीं है उतनी, हमें इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं ज्यादा, तो फिर आप कल बंद कर दोगे तो ऐसा नहीं कि पूरा महीने का आपको चार्ज करना है, नहीं, आपने एक दिन यूज किया है तो एक दिन का ही पैसा देना, एक दिन में भी क्या, एक दिन के अंदर आपने जितने घंटे जितने आवर्स आपने यूज किया है उतने ही आपको चार्ज करने हैं। ठीक है, तो ये एक जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको पे करना है, तो ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिससे आपके बहुत सारे सेविंग्स हो जाती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, आगे देखते रहते हैं सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल बेसिक तीन प्रकार के सर्विस मॉडल आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये अलग अलग सर्विस मॉडल है, तो आप किस तरह का सर्विस मॉडल यूज करना चाहते हो वो डिपेंड करता है। सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आप यूज करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या होता है, कंटेन्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द क्लाउड IT एंड टिपिकली प्रोवाइड एक्सेस टू नेटवर्किंग फीचर्स। यहाँ पे एक फिगर में देख लीजिए कि
जो प्रोवाइडर है, जो प्रोवाइडर वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर और वर्चुअलाइजेशन, ये वहां से रहेगा क्लाउड बेस से, ठीक है। और जो कस्टमर है वो खुद से एप्लीकेशन डेटा और ओएस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस तरीके से वो कस्टमर के साइड रहेगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म रहेगा, तो प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होगा, जैसा ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसा प्लेटफॉर्म के अंदर बस एक ही चेंज आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड हो जाती है, ये प्रोवाइडर के साइड फैसिलिटीज बढ़ जाती है, ये यूजर के साइड फैसिलिटीज रहती है, ये प्रोवाइडर के साइड फैसिलिटी। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आप करना चाहते हो तो पूरा का पूरा जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा, चाहे नेटवर्किंग हो, स्टोरेज हो, सर्वर हो, वर्चुअलाइजेशन हो, एस डेटा एप्लीकेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टिपिकली प्रोवाइड एक्सेस टू नेटवर्किंग फ्यूचर कंप्यूटर वर्चुअल और ऑन डेडिकेटेड हार्डवेयर। ये वर्चुअल और ऑन डेडिकेटेड हार्डवेयर, ये वर्चुअल दैट मीन्स कि आपको जो सर्वर प्रोवाइड करता है वो वर्चुअल होता है, ठीक है। और डेडिकेटेड दैट मीन्स कि नेटवर्क के अंदर आपके लिए स्पेशल एक अलग से ही सर्वर, सेपरेट सर्वर आपको बनाएगा डेडिकेटेड फॉर यू, ठीक है। वो बात की बात है, हम जब लैब स्टार्ट होगी तो हम आपको समझा देंगे कि उसमें क्या होता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज है, सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही लेना चाहते हैं। और प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है, तो प्लेटफॉर्म के अंदर वो जनरली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप चाहते कि भाई नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप ही प्रोवाइड करो, हम तो सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा ही देंगे, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दैट मीन्स क्या है कि आपको पूरा का पूरा जो सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। इन मोस्ट केसेस पीपल रिफरिंग टू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, जनरली यही नाउडेज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज मॉडल ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ओएस, डेटा, एप्लीकेशन सब सर्विसेज यही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली समझने के लिए है कि भाई सर्विस मॉडल कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यही हम पूरा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि AWS के अंदर हम उसकी सर्विसेज का यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो हम एक AWS के अंदर फ्री टायर अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्या है कि AWS हमें प्रोवाइड करता है फ्री टायर अकाउंट, जिससे हम AWS के डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको Amazon वेब सर्विसेज की जो वेबसाइट है उस पे जाना है और कुछ स्टेप परफॉर्म करने हैं। तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे AWS के अंदर हम फ्री टायर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो अलग अलग वेब सर्विसेज है, कंप्यूटिंग है, नेटवर्किंग है, जो भी है, वो सर्विसेज कैसे क्रिएट करनी है, उसका यूज कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग माई लेक्चर।